हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। सो पंचायती राज सबसे पहले तो कौन से पार्ट के अंडर आता है, ये आता है अंडर पार्ट 9। आर्टिकल्स की बात करें तो 243A से लेके 243O तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पंचायती राज के अंडर आते हैं। अब आगे पंचायती राज एक्चुअल में है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। सो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल, जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के या नीचे तबके के लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इसलिए जो है पंचायती राज बनाया गया। क्योंकि पंचायत होती कहाँ है, पंचायतें गाँव में होती हैं, ताकि गाँव के लोग अच्छे से वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। यह आता है अंडर स्टेट लिस्ट। देखिए हमने तीन तरह की लिस्ट पढ़ी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कौन से लिस्ट में किसके पास पावर होती है लॉज बनाने के लिए वो सब हमने पढ़ा है, और यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि स्टेट लिस्ट के अंडर आता है पंचायती राज। नाउ इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। देखिए हम अगर ध्यान देना क्वेश्चन कैसे आता है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए इस तरह से पढ़ाई करनी है, तो तीन कमेटीज़ आती हैं ठीक है पंचायती राज के अंडर। बस उन तीनों कमेटियों के बारे में पढ़ना है, कौन सी कमेटी कब बनी, उसने क्या रिपोर्ट दी, उसने क्या रिकमेंडेशंस दी, सक्सेस थी या फेलियर थी, बस वो पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना हमें। फालतू थ्योरी तो वैसे भी मैं अपने चैनल पे नहीं पढ़ाती हूँ। प्लस एक चीज़ और, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वो लिंक है मेरे पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स का। आज तक मैंने जितने भी पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स की वीडियोज़ अपलोड की हैं, नोट्स अपलोड किए हैं, वो सब वहाँ पर सिक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। मैंने स्टार्ट किया था विद द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नाउ आई एम हेयर। तो 55 से 60 के अराउंड लेक्चर्स हुए होंगे एग्जैक्टली, मुझे ध्यान नहीं है, तो आप वहाँ पर जाके उन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, राइट। सो हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज के, पंचायती राज कैसे बना, कैसी कैसी कमेटीज़ आई। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनी, January 1957 में बनी। सो अब ये कमेटी क्या बोलती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इस कमेटी के बनने से पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च हुई थी 1953 में। नाउ टू इंप्लीमेंट बोथ ऑफ दीज प्रोग्राम्स बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब इन दोनों को इंप्लीमेंट करना था ठीक है, उसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बना दी गई। कब बनाई गई, January 1957 में। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन November 1957। देखिए जनवरी में बनी, नवंबर में इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इसने क्या बोला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो आपको पता है क्या है, लोकतंत्र। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पहले सेंट्रलाइजेशन देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी पावर्स हैं, कोई भी काम करने की पावर है, वो एक पर्सन या एक कमेटी के पास है ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अगर एक बहुत बड़ा गांव है तो पानी का कार्यभार किसी ने संभाला है, बिजली का कार्यभार किसी ने संभाला है, प्रोडक्शन का कार्यभार किसी ने संभाला है, एजुकेशन का कार्यभार किसी ने संभाला है, मतलब हर एक पावर कुछ कुछ लोगों के पास बंटी हुई है। सबके पास कोई ना कोई पावर है, ऐसा है नहीं कि कोई इंसान बेला है, किसी के पास कोई पावर नहीं है ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबके पास कोई ना कोई पावर होगी। नाउ इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, विच इज़ नाउ कॉल्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जिसे अब हम PRI कहते हैं। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, इन्होंने सजेस्ट किया 3-tier system, मतलब 3 levels होने चाहिए ठीक है। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, यानी कि विलेज लेवल, गांव के लेवल पे, देन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, देन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ठीक है, ये होने चाहिए। नाउ इट वाज एक्सेप्टेड बाय NDC, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसने इसे एक्सेप्ट किया 1958 में। एंड जो ये 3-tier system था, इट वाज अडॉप्टेड फर्स्टली बाय नागौर राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को और क्या होता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप ही बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस डेट है। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि एक जगह पे, राजस्थान के एक जगह पे अडॉप्ट किया गया ये 2 अक्टूबर 1959 को, लेकिन इट वाज कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बाय, ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं हमने, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एज अ स्टेट पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट हुआ ठीक है। उसके बाद देखिए हमने डिस्कस किया कि 3 levels होते हैं, तो बस अब उन्हीं 3 levels के बारे में हम पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत होता है गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे, इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। मेंबर्स जो इसमें होंगे वो 5 से 31 तक होते हैं, इंक्लूडिंग प्रधान। इसमें जो चेयरमैन होता है वो उसको प्रधान बोलते हैं, तो आप सब गाँव में रहते हैं आपको पता ही होगा। नाउ पंचायत इज़ अकाउंटेबल टू ग्राम सभा, पंचायत कोई भी डिसीजन लेगी, कोई भी काम करेगी, उसे आंसर्स देने होंगे ग्राम सभा को, एक्सप्लेनेशन देनी होगी। और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा इनमें से कोई भी लेवल नहीं, ग्राम सभा एक अलग सी चीज़ है,
इसको देखते हैं क्या है। ऑल एडल्ट्स लिविंग इन पंचायत्स आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा है कि मान लीजिए हम एबीसी गांव की बात कर रहे हैं, गांव का या विलेज का नाम है एबीसी, तो वहां पे जितने भी एडल्ट्स हैं यानी कि 18 प्लस हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं ग्राम सभा के। ठीक है, नाउ रिजर्वेशन मिलेगी एससी को, एसटी को, वुमेन को, ये तो हमने पढ़ लिया विलेज लेवल पे। नेक्स्ट आता है पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक लेवल पे। तो एक ब्लॉक में 20 से 60 तक गांव होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जो हेड होता है उसको प्रमुख बोल देते हैं, ब्लॉक का प्रमुख है। अब वो सारी स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पे पंचायत समिति बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थर्ड लेवल है जिला परिषद, यहाँ पे भी डायरेक्टली इलेक्शन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ का हेड होता है। तो आप समझ रहे हैं, विलेज बहुत सारे, विलेज ब्लॉक बहुत सारे, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को तोड़ें तो ब्लॉक, ब्लॉक को तोड़ें तो विलेज। तो ये हमने कौन सी कमेटी के बारे में पढ़ा, बलवंत राय मेहता कमेटी जनवरी 1957। अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी आ गई जो जिसका नाम क्या है, अशोक मेहता कमेटी 1977। पूरे 20 साल बाद बनी अशोक मेहता कमेटी 1977 में, मेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट ने इसे बनाया। 1977 में बनी, 1978 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इन्होंने सजेस्ट किया टू टायर सिस्टम के, दो टायर्स होने चाहिए, दो लेवल्स होने चाहिए, कौन कौन से, एक होना चाहिए मंडल पंचायत बेस लेवल पे, एक होना चाहिए जिला परिषद टॉप लेवल पे। ठीक है, अब जो मंडल पंचायत है उसमें बहुत सारे विलेजेस का एक ग्रुप होगा, पॉपुलेशन जो है 15 से 20 हज़ार, जिन गाँव की पॉपुलेशन है वहाँ पे मंडल पंचायत बना दो। ठीक है जी, नाउ अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, बस अब हमें वही पढ़नी है। पंचायत्स मस्ट हैव सम पावर्स टू कलेक्ट टैक्स सो दैट इट वॉन्ट बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट्स। इन्होंने कहा कि पंचायतों को कुछ ऐसी पावर्स दो कि वो टैक्स भी काट सके, ताकि उनको स्टेट पर डिपेंड ही ना रहना पड़े, वो अपना काम खुद संभालें। ठीक है, तो ये हम देखिए सेकंड कमेटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और कमेटी आती है, इसकी हम रिकमेंडेशन पूरी पढ़ेंगे, फिर हम थर्ड कमेटी पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट इनकी रिकमेंडेशन है कि देयर शुड बी अ सोशल जस्टिस कमेटी इन ईच जिला परिषद। हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सोशल जस्टिस कमेटी होनी चाहिए, ताकि लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज कैन ओपनली वर्क इन PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ओपनली खुलेआम यहाँ पे काम कर सकती हैं। सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर SC एंड ST, हर जगह रिजर्वेशन है तो यहाँ क्यों नहीं होगी, यहाँ भी सीट्स रिजर्व हैं। दे वर नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज जनता पार्टी गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, बट ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि जनता पार्टी क्या हो गई, कोलैप्स हो गई। अब आप सोच रहे होंगे, देखिए हमने दो कमेटीज़ की रिकमेंडेशन पढ़ी, सेकंड कमेटी का तो ऑब्वियसली टू टायर सिस्टम तो है नहीं, हमारा 3-tier सिस्टम है, एग्जैक्टली जैसा बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया है वैसा, मतलब उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो फॉलो की गई। नाउ नेक्स्ट आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनका पहली बात तो एम क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। ठीक है, ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे ग्राम सभा बनी, ग्राम सभा के मेंबर्स मैंने आपको बताया कौन होते हैं, ऑल हु हैव द पावर टू वोट, जो 18 प्लस होते हैं एडल्ट किसी भी गांव में वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या, ये चीज़ें वो हैं जो इम्प्लीमेंट हुई उसके बाद, 3-tier सिस्टम ये इम्प्लीमेंट हुआ, 1/3 रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर वुमेन, वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो है 1/3 वो भी हुई, टेन्योर जो है ग्राम पंचायत का 5 साल का हुआ, इफ़ इट इज़ डिसॉल्वड अर्लियर, अगर ये पहले डिसॉल्व हो जाएगी तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे विद इन 6 months, जब डिसॉल्व होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर हमें पंचायत के इलेक्शंस करवाने हैं तो पावर उसके लिए किसको दी गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई। ठीक है, फिर कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी पावर्स भी होनी चाहिए कि वो कुछ टैक्स या कुछ ड्यूटीज़ या कुछ फीस लोगों से कलेक्ट कर सकें। पंचायतों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो रिव्यू की जाए स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू। स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, गवर्नर बनाते हैं, इसमें एक स्टेट फाइनेंस कमिश्नर होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो ये एक्ट है इट डजंट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ, कि कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सर्टन अदर एरियाज। देखिए ये नोट्स मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टडी करके बनाए हैं, तो अगर आप बिना पढ़े या शॉर्ट में काम करना चाहते हैं तो आप इन नोट्स के थ्रू नोट्स बना सकते हैं। अब मुझे ध्यान तो नहीं मैंने कौन सी बुक से बनाई होंगी, मेरे पास 3-4 बुक्स हैं एंड लक्ष्मीकांत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट आई थिंक मैंने लक्ष्मीकांत से ही ये बनाए होंगे, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो UPSC वालों के लिए हो जाता है ना, इतना डेप्थ में हमारे पास टाइम भी नहीं होता। ओके, हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। नेक्स्ट आता है सीट्स टू बी रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बैकवर्ड क्लासेस को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। सीट्स शैल बी कंपल्सरी रिजर्व फॉर SCs एंड ST। SC एंड ST के लिए सीट्स कंपल्सरली रिजर्व होंगी। ये तो हमने सेकंड कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़ी जो अशोक मेहता कमेटी थी। नाउ थर्ड कमेटी कौन सी थी, LM सिंघवी कमेटी, 1986 में बनी। इट रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल बॉडीज। लाइन एक ही है बट काम बहुत बड़ा कर गई, ये संवैधानिक स्टेटस दे दिया इन्होंने पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन को।
ठीक है। देखिए तीन कमेटीज़ पर पढ़ी हमने, कौन सी कमेटी कब बनी हमने ये पढ़ा, फर्स्ट 1957 में, फिर 1977 में, फिर 1986 में। फर्स्ट थी बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर थी अशोक मेहता कमेटी, फिर है एलम सिंघवी कमेटी। सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा हो, जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया, मैंने कोशिश की मैं इसलिए एक्सप्लेन कर सकूँ। अब आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से बताया क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।